close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun. Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all doing well, and I'm so sorry for not updating any video for so long time because there were so many things going on, I couldn't make any video. But I'm back with this very special video, which is Get Ready With Me Rakshabandhan special. And like, I really love this festival because it's just the beginning of festive season. You have a Rakshabandhan, then you have a Garpati, then you have a Navratri, Dashera, Karwa Chauth, and then you have this Diwali and Christmas. So I love this festive season, and I really love getting ready, taking lots of selfie, posting, and then flaunting everywhere, and like, I just love this season. So I thought of creating a Rakshabandhan look, and I hope you guys like this look. And if you want to see how I created this look, then keep on watching. So maine bahut acche se apne face ko clean kar liya hai, bahut acche se moisturize kar liya hai. और प्राइमर के लिए मैं यूज करूंगी ये कलर बार का परफेक्ट मैच प्राइमर. सो फाउंडेशन के लिए मैं यूज करूंगी ये लॉरियल का 24 hour stay matte foundation. बहुत अच्छा foundation है, मैंने use किया हुआ है तो yes. और मैंने अपने beauty blender को अच्छे से soak कर लिया है water में, तो बहुत important है आप beauty blender ऐसे मत use करना, वरना वो आपके सारे product को मतलब absorb कर लेगा और आपके face पे कुछ नहीं लगेगा. थोड़ा सा, क्योंकि ये डे मेकअप लुक है, क्योंकि रक्षाबंधन मतलब डे में सेलिब्रेट करते हैं, मेरे यहाँ कुछ ऐसी पार्टी होती नहीं है, तो मैं जनरली दिन के हिसाब से मेकअप कर रही हूँ. बट अगर आपको रात में सेलिब्रेट करना है या फिर पार्टी में, तो आप थोड़ा हैवी कवरेज का फाउंडेशन ले सकते हो. वैसे इसका भी कवरेज बहुत अच्छा है. सबसे पहले मैं टिप कर लूंगी. For concealer, I am using this Wet n Wild Photo Focus concealer, or I am in the shade light. I am in the shade light. Yeah. So I am in the shade light. ये मेरा current favorite है, बहुत अच्छा है, बहुत easily blend हो जाता है, और ये highlight भी करता है आपकी eyes. बहुत light थोड़ा सा ले रही हूँ, और अगर आपको बहुत ज़्यादा dark सकते तो आप कलर करेक्टर भी यूज़ कर सकते हो, उसके ऊपर फिर आप इसे अप्लाई कर सकते हो. बट मेरे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल नहीं है, इसलिए मैं बहुत लाइट सा ले रही हूँ, जस्ट कि थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए. और सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड करती हूँ. कंसीलर को सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वरना वो क्रीज लाइंस पड़ जाएंगी और वो बहुत बेकार लगेगा. सो कंसीलर को सेट करने के लिए मैं ये रिमल का स्टे मैट कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, एंड आई एम इन द शेड 05. तो ये है, बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट है, डेली वेयर के लिए भी बहुत अच्छा है.
जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया वहाँ पे जस्ट लेके एंड अच्छे से ताकि सेट हो जाए और उतना ही फ्लॉलेस लगे फेस. सो आईब्रो के लिए मैं यूज करूँगी वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो किट और मैं शायद शेड है मेरा एश ब्राउन. एश ब्राउन या सो आई मीन द शेड एश ब्राउन और बहुत ही अच्छा लाइक सबसे बेस्ट आईब्रो किट है और मैं ये वाला शेड लूँगी क्योंकि ये मेरा शेड है. ये वाला शेड लूँगी मैं. बहुत ज़्यादा डार्क आईब्रोज नहीं पसंद है और बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं पसंद, तो मुझे बस नेचुरल फिल करना है. मैंने थोड़ा सा लिया है. सबसे पहले तो मैं इसे अंडरलाइन करूँगी. बस आईब्रो को अंडरलाइन करने के बाद मैं इसे स्प्रेड करूँगी ऊपर की साइड. अब मैं अपनी आईब्रो को कोम करूँगी. ये भी लाइक आप ये पहले भी कर सकते हो बट मैं जनरली बाद में करती हूँ ताकि मेरा प्रोडक्ट इवनली स्प्रेड हो जाए और अगर मैंने कहीं एक्सेस यूज़ किया है तो वो भी रिमूव हो जाए. और आप शेप भी दे लेते हो तो मेरे हिसाब से इसको बाद में करना ज़्यादा बेटर रहता है. आप पहले भी कर सकते हो बट अगर आप पाउडर यूज़ कर रहे हो, कोई पाउडर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो वो इससे ज़्यादा अच्छे से स्प्रेड हो जाता है. सो आई एम डन विद माई आईब्रो. For eyeshadow, I am using this LA Colors Sweet 16 palette and I am using this it's dark grey shade. So I am taking this brush or so I am taking this shade. Just little bit and fix this and then एक्चुअली आई एम जस्ट क्रिएटिंग स्मोकी आई. तो बहुत ज़्यादा ग्लिटरी स्मोकी आई तो बहुत ज़्यादा लाइक परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ा बहुत चलेगा क्योंकि स्मोकी आईज में पॉप अप कलर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लैक होता है तो इतना इन्हेंस करने की ज़रूरत नहीं है. तो यस एंड आई एम नाउ डन विद ब्लैक कलर एंड देन द नेक्स्ट कलर आई एम टेकिंग इज दिस ब्राउन. ब्लेंड करूँगी अच्छे से ताकि जो भी हार्श एजेज हैं उनको अच्छे से ब्लेंड कर लूँ. मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है. आई एम रियली सॉरी फॉर द लाइटिंग और अचानक से वेदर चेंज हो गया तो थोड़ी सी लाइटिंग डिम है. सो या बट मैं फिर भी ट्राई कर रही हूँ कि थोड़ी ठीक हो. सो मैं नेक्स्ट यूज़ कर रही हूँ ये एल्फ हाफ एंड हाफ पैलेट विच आई गॉट फ्रॉम अमेजोन और मैं इसका गोल्ड शेड यूज़ कर रही हूँ. लाइक इसमें सारे ग्लिटर हैं और बहुत सारे इसमें डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी. सबसे पहले मैं ब्रश में अपने थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे डाल दूँ कि ताकि मेरा ग्लिटर से रहे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पैलेट में जो भी ग्लिटर है बहुत ज़्यादा फॉल आउट होंगे. आप देख सकते हो कितना इधर गिरा हुआ है. सो मैंने ले लिया एंड नाउ जस्ट प्रेसिंग इट
inner corner. Oh my god, look at the color, wow. इतना अच्छा गोल्ड ग्लिटर मैंने अभी तक नहीं देखा. मे बी मैंने सेटिंग स्प्रे डाला है उसकी वजह से हो, बट एक्चुअली कैन यू सी, वाओ इट्स रियली नाइस. फॉल आउट है उसको मैं रिमूव कर दूँ. लैश लाइन के लिए मैं ये यूज़ करूँगी ये वेट एंड वाइल्ड का सिंगल आई शेडो विच इज इन द शेड पैंथर. ये ब्लैक है तो मैं थोड़ा सा लेके एक्सेस रिमूव करके मैं जस्ट नीचे वाटर लाइन्स जस्ट नीचे मैं थोड़ा सा लगाऊंगी. देखिए थोड़ा सा यूज़ करें क्योंकि ये एक्चुअली बहुत पाउडरी है और लाइक बहुत ज़्यादा फैलता है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक्सेस रिमूव कर दो और उसके बाद यूज़ करो, ना बहुत सारा फॉल आउट हो जाएगा. आई एम यूजिंग दिस फॉर काजल, आई एम यूजिंग दिस मेबलिन आई स्टूडियो ड्रामा जेल. सो मैं इसको वाटर लाइन को स्ट्रेच करके थोड़ा सा लगाऊंगी ताकि जेल लाइनर बहुत बहुत इजी होते हैं अप्लाई करने के लिए. बहुत क्लोजली अपनी लाइक आई लिड पे एकदम क्लोजली अप्लाई करूँगी क्योंकि मुझे बहुत विंग लाइनर नहीं चाहिए. नहीं अप्लाई करने वाली हूँ जस्ट टू गिव अ ब्रॉड इफेक्ट टू माई आईज, सो इसलिए मैं बस थोड़ा सा. सो फॉर ब्लश आई एम यूजिंग दिस सिवाना पैलेट. सो आई एम जस्ट गोइंग फॉर दिस पीच शेड विच इज दिस. आई एम जस्ट टेकिंग लिटिल बिट ऑफ दिस. Little bit. Highlighter, I am using this Makeup Revolution London Shimmer Brick Palette. So, बहुत shimmery है तो बहुत important है कि आप excess remove कर दो वरना आपको लगेगा कि आपने पूरा shimmer apply कर लिया, तो बहुत important है कि आप excess remove कर दो. मैं अपने चीक्स बोन पे अप्लाई करूंगी जस्ट टू गिव दैट नाइस कोल्ड ग्लो. आई एम जस्ट कर्लिंग माय आईलैशेस. Now I am using this Maybelline Lash Sensational Mascara. बहुत ऑसम मस्कारा है, मेरा फेवरेट मस्कारा है. Eyelashes, I am using this 3D eyelashes which I got from Amazon. और so I'm using this. Let me show it to you. So it's a pack of 3 pair. So मैंने अपना outfit change कर लिया है, सिर्फ lipstick बाकी है. So let's
just start with a lipstick. For lipstick, I'm using this L'Oreal Rug Chic lipstick. I am in the shade 925, which is peach perfect. And this is a very fuchsia pink color. So I'm just applying this. You can go with nudes or whatever you want. But I love pink and I'm wearing pink and yellow, so I just want to apply pink. So now I'm done with my makeup, and just to complete this look, I am using bindi. It's really optional. Agar aapko use karna hai to aap use karo, but I really love bindi kyunki itni outfit ho aur makeup ho to bindi aapke look ko complete kar dega. And now I am done and I am ready for Rakshabandhan. So now I am done with my makeup look aur main same outfit wear karne wali hu with same makeup. Aur I hope ki makeup tutorial aapko bhi pasand aaya ho, aur agar aapko pasand aaya ho to please hit this like button and do subscribe to my channel. And also please hit that bell button so that you get notified every time I upload a video. And happy Rakshabandhan to you all. And agar aapko koi aur makeup tutorial dekhna hai then please do let me know. So bye.